बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुआ था। सामाजिक धार्मिक आंदोलन संगठन इस प्रकार से ध्यान देना है, जैसे कि संस्थापक कौन है, तो ब्रह्म समाज कब हुआ, तो ब्रह्म जो धार्मिक आंदोलन या संगठन है ब्रह्म समाज, उसकी स्थापना हुआ 1828 में और संस्थापक राजा राममोहन राय। उसी प्रकार से प्रार्थना समाज की 1867 में हुआ, डॉक्टर आत्माराम पांडुरान है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा। अहमदिया आंदोलन 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया था।